इसी में समय निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं उसका भाई सस्ता सामान बोमा है। गया वो रुक गया आज आप लोगों को लग रहा होगा और अटेंशन गिव इट टू मी ऑल ऑफ यू सिट गो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर जीएम पब्लिक स्कूल। टुडे वी प्रेजेंट हियर ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आवर स्कूल व्हिच इज आवर फाउंडेशन डे एंड पेरेंट्स डे। शायरी रखना चाहता हूं तो सारी यह है कि हर आने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की तकदीर एक जैसी नहीं होती। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथों की लकीरों में जुदाई नहीं होती। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना जोक सुनाना चाहता हूँ। सोचते हैं कि लड़की को किस तरह से इनाम दिया जाए कि वो मरे ना, तो उन्होंने सोच विचार से एक बुड्ढे को बुलाया। बुड्ढे ने जाकर लड़की से कहा कि बेटी नहीं, आपको अगर 5 करोड़ की इनाम लग जाए, इनाम की लॉटरी मिल जाए तो आपको क्या मिले। तो लड़की ने कहा मैं खुशी से आपसे शादी कर लूंगी और जिंदगी भर प्यार करूंगी। लड़की तो नहीं मरी लेकिन बुड्ढा जरूर मरी। दूसरा, सलमान खान कहीं जाने वाले थे, ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तुम पीछे बैठो आज मैं ड्राइव करता हूं। तो जब सलमान खान ने ड्राइव किया ट्रैफिक में उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका और कहा, जैसे ही उन्होंने शीशा खोला तो वो तुरंत अपने बड़े साहब को फोन करके बोलते हैं, सर सर जल्दी आइए, यहाँ पर बहुत बड़े आदमी पीछे बैठे हुए हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन या सलमान खान? बोलते हैं, नहीं सर, सलमान खान तो फुट ड्राइवर है। बताओ, एक गाय एक दिन में 7 लीटर दूध देती है तो एक हफ्ते में कितना लीटर दूध देती है? बच्चा खड़ा होकर फटाक से बोलता है कि 42 लीटर। सर सर बोल रहे हैं गलत जवाब है, इसका आंसर 49 होगा।
स्टूडेंट बोलता है नहीं सर सही जवाब है संडे तो हॉलीडे रहता है। हेलो
So please welcome for Kanak Bharti, Meera. मेरे विद्यालय के छात्र छात्राओं को सब प्रेम नमस्कार। अब सबों के समक्ष मैं एक भाषण की प्रस्तुति दे रही हूँ जिसका विषय है कर ही धर्म है, धर्म ही पूजा, विद्यालय निर्माण एवं विकास हेतु। यह विद्यालय जीए पब्लिक स्कूल पर पलक निशान, यह गवर्नमेंट फैक्ट्री की और नहीं, हमारे सामने बैठे श्रीमान गोवर्धन मंडल जी हैं, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जीवन में शिक्षा को एक ध्येय बनाकर उनका लक्ष्य भेदन की है, इसलिए तो कहते हैं कि मन में मुराद हो तो कदर अपने आप बन जाती है। इस विद्यालय का नींव सन 25/12/2001 ईस्वी में रखी गई। इस विद्यालय को पूर्व रूप से पढ़ने पढ़ाने योग्य सन 25/12/2001 ईस्वी में तैयार की गई। साथ ही आवासीय बनाने में हमारे निर्देशक महोदय ने इस मंदिर की उपमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े। विधाता उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। जब यह विद्यालय 25 दिसंबर 2001 ईस्वी में पठन पाठन कार्य प्रारंभ किया गया, जैसे पूछे थे राजा विद्वान संबंध को पूछे थे, अकेला चुना हार नहीं छोड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे निदेशक महोदय अकेले नहीं, इनके साथ सहयोग देने में हमारे सचिव महोदय श्रीमान प्रदीप मंडल जी भी हैं। ये विद्यालय के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनकी व्यंग्यपूर्ण बातें बच्चों को जीवन जीने, आत्मविश्वास, उच्च से उच्च संस्थान में अपना परिचय मेधावी छात्रों को देना, इनकी विलासिता है कि बच्चे जीवन का लाभ प्राप्त कर खुद का परिचय बनाए। जिस प्रकार धूप की गर्मी सहकर वर्षा की धार को सहकर शीत की लहरी में मैं की ठिठुरती सड़क को बर्दाश्त कर एक दिन एक पौधा तैयार होकर वट की तरह अपनी शाखाएं को फैला कर दूसरे को सुख शांति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे विद्यालय के सचिव महोदय को हमसे अपेक्षा रहती है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हर प्रतियोगिता में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, ये आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लीजिए तो हार हो गया, हार जीत तो जीत। इन सभी बातों को अपनाने के लिए हौसला की आवश्यकता होती है, इसलिए वे कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखिए कि बिना मेहनत के दक्षता आज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुग जुग में अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और हम अपने बच्चे को इस तरह से बढ़ा देंगे जहाँ सूर्य की गर्मी न चांद की ठंडक पहुंची होगी। अक्सर हम तो हार जाते हैं क्योंकि मंजिल भटक जाती है, लेकिन कभी अजमाइश करके देखिए, मंजिल लगातार आपका ही वेट करती है। क्योंकि हर मंजिल में एक शख्स का नाम लिखा है जिसमें केवल आप है, अन्यथा कोई नहीं। आपने एक हाथ उठाया इसका मतलब आपका 5 उंगली है, यानी एक पंचायत का काम, एक पंच का काम, तो समाज के बीच में 5 कार्य का काम, एक नमस्कार, एक आदर सत्कार, एक सम्मान। लाज में कितना भी अपमान हो, हम उस सम्मान को उस जगह से खींच लाएंगे जिन्होंने हमें अपमानित करने का कोशिश किया। कुछ है या कुछ ना हो, लेकिन आप यदि चेयर में बैठ गए तो मैं एक ही चीज जानता हूँ, When all are sitting on the chair, only you are the mayor of Jharkhand. के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट बार में जाते हैं, मैं 5 स्टार गया, मैं 7 स्टार गया, मैं 10 स्टार गया, लेकिन आप एक ही अक्सर गया। लेकिन आज लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, स्वाद जरूरी है। आज क्या है, हर घर में एक चीज मौजूद है जो 10 स्टार हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार हो या फिर नॉर्मल स्टार हो, जिसे कहते हैं चिल्ली यानी मिर्चा। जब भी ठिकाने का बात आता है, तला जाता है, तो मिर्चा ही सामने आता है। उससे कभी ना हो जो हमारा तगड़ा हो। आई स्पीच प्रिपेयर्ड बाय विनय महतो ऑफ क्लास 9। सो आई वुड लाइक टू कॉल विनय महतो टू डिलीवर अ सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड गार्जियंस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू
with great regards and have a lot of love for all the students. I want to deliver my speech among all of you. I want to say something about work is worship. Our school is a symbol of hard work, and it is said that try again, we will at last. That means यदि आप लगातार कोशिश करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं. This was has been proven by our respected director sir, Mr. G.D. Mandal, who sitting amongst all of you. We could not describe his devotion with few words. कुछ करने की चाहत रखते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हर एक व्यक्ति आपका सहयोग करेगा. After achieving his goal, he decided to distribute education among the children. So he built this school. This school is stabilized on 25th December 2001. Our director sir sacrificed a lot to make it a residential school. As we know that God helps those people who help themselves. That means ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं. When the school has started, in that condition, the school needs self-confidence and more patience. The person who has that quality, surely he is a scholar, and you know that what is the definition of a scholar. Otherwise, many people give their contribution for the success of this school. Our Honorable Secretary Sir Mr. Pradeep Mandal always stand on one foot for the success of this school. His thought increase the students and to be confidently courageous and hardworking. He thought and wished that a student make their own identity. I am a student of GM Public School. Now I want to stop my words. Thank you. Thank you very much. देखिएगा तमन्ना घर तमन्ना का भाई अरमान जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके रिजल्ट को देखने के लिए जाता है. आइए देखें पहला दृश्य. एक्सक्यूज मी सर, आप में से किसी का कार स्कूल के रास्ते में खड़ी है, कृपया हमें साइड कर दें. No.
नमस्ते बेटा, तमन्ना कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तो मम्मा अपने कमरे में। कमरे में उससे बात करने जाओ। हाँ काम था, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? क्या हूँ सपना, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? मुझे तो पढ़ने दिया जाता है, फिर तुझे क्यों नहीं? माँ कहती है कि हमारे घर की बहू बेटियाँ पढ़ती नहीं है, पर मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता? पर मैं नहीं जानता था सपना। अरे तो चल ना, तू मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी फ्रेंड है ना। अच्छा चल जा, पर जल्दी आ जाना। ठीक है पढ़ने के लिए जज्बा और डूबता रहना चाहिए, इसीलिए देखते हैं दूसरा दिल से आए देखे। हमारे गांव की बहुत बेटियां पढ़ेंगी, तभी तो हमारे गांव की विकास होगी। अच्छा आप भी जाएंगे क्या? मैं जरूर जाऊंगी, कोशिश तो करूंगी। चल चल बैठ। बोलो शायद इस बार तुम्हारी बात मान जाए। पर वो नहीं मानेगी सुनना, पर तू कोशिश तो कर सकती है ना। कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। मैं जरूर कोशिश करूंगी सुनना। चल चल आपके गांव में जो नहीं पढ़ते हैं उसे जागरूक करें, आए देखें तीसरा दृष्टि से। पढ़ा लिखा तो ना सका, लेकिन एक अच्छे घर में शादी करवाना चाहता हूँ। यही चिंता मुझे दिन रात सता रही है। बहुत दिनों से घर नहीं गया हूँ, पता नहीं कैसे होंगे मेरी बेटी बेटे। घर की कोई समाचार नहीं आए। मुझे ये लगता है कि एक चिट्ठी भेजकर लिख देता हूँ, शायद कोई समाचार आए। दिनों से कोई समाचार नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। बेबी बड़ी हो, तुम्हारी शादी की चिंता लगी रहती है। चलो चिट्ठी तो लिख लिया, अभी से जल्दी से पोस्ट कर देता हूँ। तमन्ना बिटिया यही दिख गई। चलो बहुत अच्छी बात है, इसकी पापा की चिट्ठी इसको यही दे देता हूँ। आई है चिट्ठी, आई है चिट्ठी, आई है, आई है चिट्ठी, आई है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये लो तुम्हारे पापा की चिट्ठी आई है। क्या? क्या? पापा की चिट्ठी आई है? सपना क्या तुम इसे पढ़ दो? अभी मुझे काम है, मुझे जाना है, टाइम बहुत हो चुका है। कल आप ही पढ़ दीजिए ना। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे और भी चिट्ठियां बांटनी है। क्या लिखा होगा जिस पत्र में? क्या लिखी थी उसके पिता ने, तमन्ना के पिता ने पत्र में क्या लिखा था? आया देखे अगला दृष्टि।